गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिवरी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो ये एप्टीट्यूड की क्लासेस में फिर से आपका मैं वेलकम कर रहा हूँ। आज फिर से पांच प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक से पांच का सेट मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, उसके आगे छः से दस तक के यानी पाँच प्रॉब्लम्स आज हम फिर सॉल्व करेंगे। इनमें थोड़ा सा अंतर है जो पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था। अंतर क्या है इसमें, आप देखिए इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश जो दिए हैं, फाइंड आउट विच द ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पार्ट्स गिवन इन प्रॉब्लम फिगर। इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम फिगर दिया है यानी इसको आप प्रश्न कह सकते हैं, प्रश्न दिया है। प्रश्न में कुछ अलग अलग आकृतियां दी गई, जैसे पहले में देखिए एक दो तीन चार ये दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रश्न में यदि जो दी हुई आकृतियों के विभिन्न पार्ट्स हैं इनको मिला दी जाए तो ये ए बी सी डी में से कौन सी आकृति बन जाएगी, तो इसको आपको देखना है। तो आप हिंदी में समझ गए होंगे कि प्रश्न में आपको आकृतियों के अंग अलग अलग दिए हैं, उनको आप यदि मिला दें तो ए बी सी डी चार ऑप्शन में से कौन सी आकृति बन करके तैयार हो जाएगी, सीधा प्रश्न ये है। तो छठा नंबर पे हम बात कर लेते हैं, पहली प्रॉब्लम इसको देख लेते हैं। देखिए एक दो तीन चार, चार ये त्रिभुज हैं और ये तीनों चारों के चारों आपके समकोण त्रिभुज हैं। तो अब आप देखिए पहले वाले में आप आ जाइए, पहले वाले में देखिए आप देखिए समकोण त्रिभुज है, पहला वाला ही देखिए नहीं है जो 90 डिग्री कोई है नहीं है, तो ए नहीं हुआ। बी वाले में आप देख लीजिए, देखिए इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं है, ये वाला देख लीजिए नहीं है तो बी भी नहीं होगा। सी वाले में आप देख लीजिए तो ये भी देखिए इसकी वजह से बिगड़ गया, तो बचा कौन, ये देखिए इसमें एक दो तीन चार त्रिभुज हैं, चारों के चारों जो है आपके 90 डिग्री एक कोण इनका जरूर होगा। देखिए इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी, तो सही आंसर होगा हमारा डी। ये हम डी ऑप्शन को टिक कर लेंगे, तो ये आप इसको डी ऑप्शन को टिक कर दीजिए कि सही उत्तर डी हो गया आपका। दूसरे पे आ जाइए, सातवें वाले में देखिए, सातवें वाले में एक दो तीन चार आपको दिए गए हैं। अब देखते चलिए इनको चारों को मिलाएं तो कौन सी आकृति बनेगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए बन सकती है, नहीं बन सकती, बिल्कुल अलग है तो ये क्रॉस कर दीजिए। बी वाला बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है, बी क्रॉस कर दीजिए। सी वाला ध्यान से देखिए, ये वाली जो आकृति है देखिए इसमें बन जाएगी, एक ये आकृति इसमें बन जाएगी और एक ये दोनों अगर बने तो ये देखिए सेक्टर इसमें बन जाएंगे, तो ये सी आंसर सही लग रहा है। जबकि ये वाले जो हैं, ये वाला डी ऑप्शन है, ये हमारा सही नहीं है। देखिए ये तो ये डी भी नहीं होगा, तो सही आंसर होगा हमारा सी वाला ये, तो हमको इसको गोला काला कर देना है। तो इस तरह से सातवें का सही उत्तर हो गया सी। अब अगले प्रश्न में आ जाते हैं, आठवें में ये चार इसमें दी गई हैं, एक प्रश्न में चार आकृति, एक दो तीन और ये चार, दो इस तरीके के आपके आयत हैं, दो इस तरीके के त्रिभुज हैं, इनमें मिला देना है। तो मिलाने के बाद देखिए कौन सी आकृति बनेगी, तो ये देखिए ये वाली तो बन नहीं सकती है, ए वाली देखिए ये देखिए अलग अलग है, ये हो ही नहीं सकता। ये वाले देखिए इनको ऐसे मिला दें और एक त्रिभुज ऊपर एक नीचे रख दें तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, जबकि ये सी वाले में भी इसी तरीके का है, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि ये जो आयत की मोटाई है आप देखिए, चौड़ाई जिसको आप कह सकते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें बी। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं नौवें प्रश्न में। नौवें प्रश्न में देखिए क्या है, नौवें में देखिए चार आकृतियाँ दी हैं, एक दो तीन और ये एक चार। अब इसको देखते चलिए कि चार में से आपका कौन सा सही होगा। तो चार में से देखिए ध्यान से इस आकृति को, ये वाला देखिए कहीं है इसमें, इस वाले में, तो देखिए ये ऊपर है। दूसरा वाला ये देखिए कहाँ बन रहा है, तो देखिए ये यहाँ बन रहा है। तीसरा आपका ये वाला यहाँ बन रहा है, बचा ये, तो देखिए इसमें बन रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर लग रहा है। इसके अलावा आप फिर भी चेक कर सकते हैं इसमें, अगर आप देखना चाहें तो इस वाले अन्य जो बी और सी और डी में जो आपको दिख रहा है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बी में देखिए नहीं मिल रहा है, इस वाले चित्र को ही देख लीजिए क्रॉस हो गया। इस वाले को देखिए क्या मिल रहा है, नहीं, ऐसा है ही नहीं, सी भी नहीं है और ये डी भी नहीं होगा, तो फाइनल आंसर हमारा यही है, बिल्कुल हम संतुष्ट होकर लगा देना है, गोले को काला कर देना है। दसवां है, लास्ट प्रश्न है इस सेट का। दसवें प्रश्न में देखिए एक दो तीन, ये तीन आकृतियां दी गई हैं, इन तीनों को मिला करके बताना है कि ए बी सी डी में से सही आंसर आपका क्या है। तो देखिए जरा इसमें कहीं ये वाली जो आकृति है इसमें कहीं दिख रही है आपको, कहीं नहीं दिख रही, क्रॉस कर दीजिए। इसमें देखिए कहीं आकृति दिख रही है, बी वाले में कहीं नहीं दिख रही है। सी वाले में ध्यान से देखिए आप, सी वाले में अगर आप देखेंगे तो ये आकृति देखिए खाली जगह जो दिख रही है, देखिए ऐसे ये ऐसे इस तरह से गया है, इसको यदि आप हटा दिया जाए तो ये वाली आकृति आपको मिल जाएगी, बचेगा ये वाला देखिए, ये इधर मिल जाएगा आपको, और एक जो ये अगर आप इसको निकाल दें तो ये बन जाएगा। तो ये सही सी ऑप्शन जो है आपका
वो सही उत्तर होगा। देखिए डी में भी ऐसा कुछ नहीं है, ये डी भी आपका गलत हो जाएगा, तो ये सही उत्तर होगा आपका सी। तो इसको हमको क्या है, प्रत्येक आकृति को ध्यानपूर्वक देखकर यदि आप मिलान कर लेंगे तो सारे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर देंगे यानी हटा देंगे, तो सही उत्तर का बिल्कुल आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि यही सही उत्तर है। पर ध्यानपूर्वक देख भी लेंगे तो एक एक आकृति बिल्कुल सही और सटीक मिलेगी। तो ये इसकी करने की ट्रिक होती है, बाकी अभ्यास पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, माइंड अपने आप तेजी से दौड़ने लगेगा। खुद बिलीव आपको नहीं होगा कि कभी आप इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाते थे, और आपका माइंड इतना तेज चलने लगा कि सारा चीज अपने आप क्लियर होने लगती है, अपने आप दिखाई देने लगती है। तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही जरूरी है आपके लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग और मैथ्स की ट्रिक्स। मैं मैथ्स का भी आपको बताऊंगा, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, तो उसमें भी आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते रहिए लगातार, जितनी एक्सरसाइजेज में बताता जा रहा हूँ, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सुनते रहिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नए वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।